आप लोगों को रिजल्ट तो पता चल ही गया होगा। हाँ सर, मालूम है ना सबको। हाँ सर, हाँ सर। तो मेहनत करो और क्या। ग्रेविटेशन का ये है, बाइनरी स्टार सिस्टम पहले समझाता हूँ मैं। एनसीईआरटी का तो भाई एक एक क्वेश्चन लगाना है, ध्यान रखना है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में था कि होता क्या है, जब बाइनरी स्टार सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनका जो इंटरेक्शन फोर्स है वो उस फोर्स ही क्या करता है, उन स्टार्स को दरअसल सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम लोग प्लैनेट की बात करें तो सर आप क्या सिखा रहे हो सर? नहीं नहीं सिखा नहीं रहा हूं मैं, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं टॉपिक। किसी ने डाउट पूछा था, ठीक है ना, किसी का डाउट है? ओके सर। तो ये था है ना। तो इसमें क्या होगा, बाइनरी स्टार सिस्टम में जो स्टार्स है वो आपस में, उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसकी वजह से क्या होता है, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। ये टॉपिक हो गया इनका, लेकिन डाउट है तो इनका कॉमन डाउट ही रहता वैसे तो, ये बता देता हूँ मैं। तो यहाँ होता क्या, इसमें मान लो एक स्टार ये है और दूसरा स्टार ये है, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये d है, तो इनका कॉमन सेंटर मास मान लो यहाँ कहीं है, ये मान लो m1 m2 से ज़्यादा है तो कॉमन सेंटर मास यहाँ होगा। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये r1 होती है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये r2 है, r1 प्लस r2 d होगा। तो ये क्या करेगा, ये इस सर्कल में घूम रहा होगा, और ये वाला जो स्टार है वो इस सर्कल में घूम रहा होगा, लेकिन घूम इस तरह से रहे कि जब ये स्टार यहाँ आएगा तो ये वाला स्टार यहाँ पहुंचना ही होगा इसको, अदरवाइज सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कैसे। तो यानी जितना फोर्स इस पर होगा उतना ही फोर्स इस पर भी होगा, है ना। तो यहाँ जो फोर्स होगा एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगा इन दोनों के बीच, जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर होगा। और ये फोर्स यानी ये सर्कल में घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा। तो देखो जिस रेट से इसका थीटा चेंज हो रहा है उसी रेट से इसका थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब दोनों का ओमेगा तो सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ ऐसा लिख सकते हो जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर, ये इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एम वन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर वन, और यही इक्वल टू क्या होगा, एम टू ओमेगा स्क्वायर आर टू। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चल गया, एक तो कि एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू हो गई डेफिनेटली, ये तो सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से ही है। और यहाँ ही आपने को ये भी दिया है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू D होता है। तो इसमें ये पूछता है कि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है, ना इसका टाइम पीरियड क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आता है। तो R1 R2 को जब आप सॉल्व करोगे तो R1 आपको मिलेगा दरअसल यहाँ एम टू डी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, आर टू इक्वल टू अपने को मिलेगा एम वन डी बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो यहाँ एम वन एम टू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपने को यह भी मिल जाएगा टाइम पीरियड क्या है। तो एम जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर इक्वल टू एम वन ओमेगा स्क्वायर, और आर वन कितना यहाँ एम टू डी डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारे पास में एम वन प्लस एम टू। तो आप देख रहे हो कि एम वन एम टू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, तो हमारे पास आगे जी एम वन प्लस एम टू बाई डी क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आपको मालूम है ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते हैं, टू पाई बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कर दो, है ना। तुम्हारे पास स्क्वायर रूट करके सेग्रीगेट करोगे तो ये मिलेगा दरअसल टी स्क्वायर, नहीं तो रहने दो,
टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम वन प्लस एम टू और ये जाएगा डी क्यूब। ये टाइम पीरियड यहाँ से मिल जाएगा, ये रिलेशन मिल गया ठीक है। टोटल एनर्जी की बात करेगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, तो टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम तो वो लिखेंगे हम लोग हाफ आई वन ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई टू ओमेगा स्क्वायर माइनस जी एम वन एम टू बाई डी। यहाँ से जब आप रखोगे तो आई वन प्लस आई टू इन टू ओमेगा स्क्वायर माइनस जी एम वन एम टू बाई डी, ये टोटल एनर्जी है। आई वन आई टू की वैल्यू कैसे लिखेंगे तो ये अपने को पता ही है, तो पॉइंट मास माना जाता है इनको। एम वन आर वन का होल स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम टू आर टू का होल स्क्वायर, तो रखिएगा आ जाएगा, ये मिलेगा दरअसल एम वन एम टू बाई, सॉल्व करेगा इसको एम वन प्लस एम टू डी स्क्वायर, ये आई वन आई टू आ गया, रख दो सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर, है ना, इसी तरह से करना है। ओके हो जाएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट था। ओमेगा स्क्वायर पे यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो आप इस वाली इक्वेशन से, आर वन आपको पता ही है, आर वन की वैल्यू ये, तो आपको मिल जाएगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से करना था, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो है नहीं, बस आपको सर्कुलर मोशन वाले जो कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स लिखना क्या है, भाई जिस सर्कल में घूम रहा है उस रेडियस उसकी रेडियस लिखी जाती है, या एम बी स्क्वायर बाई आर जो कि आर उसकी रेडियस है, बी जो कि उसकी वेलोसिटी, या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा जाता है जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और जो फोर्स वहाँ है उस फोर्स की जो भी वैल्यू है पूरी लिखी जाती है ना, तो जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर ऐसा लिखना होता है। ये कॉन्सेप्ट और क्या। नेक्स्ट हमारे पास में एन सी आर टी है ना, टेक्स्ट बुक वन है इसका, चैप्टर नंबर टू, वैसे भी इसमें सारे नंबर ही डाल देते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो ये तो नोट्स से करिएगा, देखिएगा नोट्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो बता देता हूँ, अच्छा ये कैपेसिटर का है ना ठीक है। तो 212 पीको फेरेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्या क्वेश्चन है यार, तुम भी ना दरअसल चैप्टर टू है। तो ये हमारे पास में कैपेसिटर है, दिया है 12 पीको फेरेट यानी 12 × 10⁻²⁻ फेरेट, और ये बैटरी यहाँ जो कि इसने लगा रखी है, ये प्लस और ये माइनस, ये वी नॉट इक्वल टू 50 वोल्ट है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर हो गया ठीक है, रख दो इसमें सी दिया हुआ है, सब तो दिया इसने, तो हाफ 12 × 10⁻²⁵ का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 × 2500 × 10⁻²⁻, तो ये हो गया हमारे पास में 150 × 10⁻¹० जूल, है ना, या ऐसे भी लिख लो 15 नैनो जूल, वैसे तो ऐसा लिखता तो नहीं है, लिख दो 15 नैनो जूल, नहीं आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया भाई, इसमें कुछ था नहीं, वो फॉर्मूला लगाना था इसमें। हाँ सर समझ में आया सर, आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 11, 600 पिको फैरड कैपेसिटर इज चार्ज टू दिस वोल्ट सप्लाई यानी 600 पिको फैरड, हां बोलो सर, सर एक बार ऊपर का सॉल्यूशन दिखाइए ना।
हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में दिया कि कैपेसिटर है, तो ये हमारे पास में सी दिया इसका 600 पिको फैरड, इस पर क्यू नॉट चार्ज होगा या माइनस क्यू नॉट होगा क्योंकि हमने इसको 200 वोल्ट की बैटरी से लगाया है, ये प्लस माइनस ये 200 वोल्ट है, इस पे यहाँ से चार्ज फ्लो क्या होगा क्यू नॉट, यहाँ से क्यू नॉट, ओके क्यू नॉट मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास क्यू नॉट कितना हो जाएगा सी, इसको मान लेते हैं कि ये वी नॉट है तो सी वी नॉट होगा, यहाँ से क्यू नॉट निकाल लो। अभी क्या कर रहा है, एक और कैपेसिटर इसने इस यानी अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया जो कि आइडेंटिकली है, तो इस पर तो चार्ज Q नॉट है या माइनस Q नॉट है और ये C दे रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ से Q चार्ज आया यानी इस पर चार्ज क्या रह गया Q नॉट माइनस Q, इस पर क्या चला गया प्लस Q या माइनस Q या माइनस Q नॉट माइनस Q, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा माइनस Q नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाई C प्लस Q बाई C इक्वल टू जीरो। वैसे तो आप सॉल्व करोगे तो ये चार्ज आएगा दरअसल Q नॉट बाई टू क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है इसलिए। तो अब इसमें एनर्जी लॉस पूछ रहा है, तो पहले इनिशियल एनर्जी कितनी इसके, तो इनिशियल एनर्जी है दरअसल Q नॉट का होल स्क्वायर बाई 2C, और फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, फाइनल एनर्जी लिखोगे क्योंकि दोनों पे Q नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2C प्लस Q नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2C, ये फाइनल है। तो एनर्जी लॉस कितना हुआ इसका, हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, यानी आ गया हमारे पास में Q नॉट का होल स्क्वायर बाई 2C और ये कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा माइनस, ये आ रहा है क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 4C। देखो आप इसको सॉल्व करो तो 8 और 8 तो कितना हो जाएगा क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 4C, तो अल्टीमेटली लॉस कितना हो गया हमारे पास में क्यू नॉट का होल स्क्वायर बाई 4C। क्यू नॉट आपको दे रखा है यहाँ से, C आपको पता है, B नॉट आपको पता है, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ओके इतना लॉस हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का बी, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो क्या कह रहा है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकाल लेंगे। चलो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे लिखना ही है। हाँ सर एक मिनट ना लिख लो। हो गया हो गया क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर आ रही है सर। चलिए
हो गया तो क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अब इसमें देखो आप हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो हमें भी मालूम है कि यहाँ प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के केस में, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर वो दिया है ना 0.53, यानी ये तो फर्स्ट ऑर्बिट ही है ना। तो क्या पूछ रहा अपने से, एनर्जी पूछ रहा है, तो कह रहा है कि एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले वाले पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर की वैल्यू दे रखी है आपको, आर इक्वल टू 0.53 × 10⁻¹⁰ मीटर है, 1 angstrom = 10⁻¹⁰ मीटर होता है। अब ये कह रहा है कि है ना, तो इसमें हमने तो ये उस केस में जब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ थी, इन्फिनिटी पर जीरो थी। तो कह रहा व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट। तो ये देखो आपने भी कैलकुलेट किया होगा, वैसे तो मैं बोर मॉडल में भी आपको पढ़ाऊंगा और आपने यहाँ भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो एनर्जी आती है दरअसल वो एनर्जी क्या होती है, ई जो टोटल एनर्जी आती है वो आती है दरअसल यू जो पोटेंशियल एनर्जी उसका हाफ आता है ना, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दरअसल क्या होती है, मॉड ऑफ यू बाई टू होता है, यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल आती है, ये काइनेटिक एनर्जी है ना। तो मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ आपको मालूम है बेसिक से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मतलब सॉल्व करने की मेरे क्या से क्या जरूरत है, आपको मालूम ही होना चाहिए कि ये ई एन इक्वल टू क्या आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आता है। ये दरअसल जो आर की वैल्यू जो दिया है ना वो एन इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग दिया है, तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी इसकी E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये तो 1 ही होता है Z, ये भी 1 हो गया, यानी कितनी एनर्जी चाहिए इसको, 13.6 चाहिए। तो अगर इतनी एनर्जी हम सप्लाई कर दें, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं हम लोग है ना, और ये क्या है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेकेंड पार्ट में आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा या डब्ल्यू ले लेते हैं, किसने क्या पूछ रहा अपने से, व्हाट इज द मिनिमम वर्क, ये मिनिमम वर्क ही आ जाएगा, इतना करना पड़ेगा। अब मिनिमम क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग इतनी एनर्जी सप्लाई करें इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए इलेक्ट्रॉन में, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्राउंड स्टेट से बाहर निकलेगा एटम से, जब एटम आयोनाइज होगा तब उसकी जैसे बाहर निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की, जीरो है। इतनी एनर्जी चाहिए आपको, यानी इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ E1, ये आ गया। अब क्या कह रहा है वो, फिर ये कह रहा है कि व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबाउट इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। अब ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, देखो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो पहले तो है ना, आप देखो ये वैल्यू कितनी है, 0.53 है ना, तो ये कह रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन, व्हाट आर द आंसर्स एंड बी अबव इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टेकन एट दिस सेपरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मतलब क्या हुआ, डबल हो गया ना इसका, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सी पार्ट में, ये n इक्वल टू 1 है, यानी है ना, और ये n इक्वल टू 2 है, तो आप देख रहे हो कि इसका ये क्या था, एक तरह से ये आर नॉट है जो कि अपने को दिया है 0.53 डिग्री, सॉरी 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया भाई,
और ये कितना हो गया, ये दरअसल 2R0 दिया हुआ है। यहाँ जीरो लेने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ अगर 2R0, क्योंकि 1.06 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ, यानी n इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहा था वो, नहीं सॉरी, हाँ मतलब n इक्वल टू 2 के लिए बात कर रहा है, क्योंकि डबल n इक्वल टू 2 का मतलब नहीं है, ये फिर गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वैल्यू इसने 2R0 दिया है, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ देखो, 2R0 इक्वल टू 1.06 एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर रहा है। पोटेंशियल जीरो करने का मतलब इस जगह पर ये पोटेंशियल जीरो कर रहा है, तो मतलब क्या होगा देखो, हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है, मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अभी मान लो मैंने Q1 को फिक्स किया हुआ है, इसको मैं R1 से R2 लेके जाता हूँ, ये R1 है ना, तो R1 से R2 लेके जाता हूँ, तो मैं मालूम है U2 माइनस U1 क्या मिलेगा अपने को यहाँ, तो U1 माइनस U2 मिलेगा, क्या मिल जाएगा देखो, क्या था, Q1 Q2 और ये मिलेगा अपने को 1/R1 माइनस 1/R2, ये मिलता है अगर आपको ये मालूम हो तो। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया क्या मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या देखो, ये हो जाएगा WC इक्वल टू माइनस DU होता है, तो इसका मतलब माइनस U2 माइनस U1, तो इसका तो वर्क भी आ जाएगा, मतलब ये माइनस ये प्लस ऐसा होगा, सही क्या मैंने, हाँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं। अब ये क्या कह रहा देखो, ये कह रहा है कि डिटरमाइन द पॉट कहाँ गया, व्हाट आर द आंसर्स एन बी अबव द जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन एट दिस सेपरेशन, मतलब ये ऐसा है, यानी जीरो माइनस यू इक्वल टू Q1 Q2, ये क्या लिखूंगा, माइनस 1/R0 प्लस 1/2R0, यानी हमारे पास U इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा माइनस, है ना, सही लिखा ना भाई, तो ओपन यानी आ जाएगा Q1 Q2 / 2R0, यानी U इक्वल टू आ गया Q1 Q2, एक मिनट यहाँ K से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी K से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2R0, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी मतलब उसकी, यानी R0 पर जो पार्टिकल है, क्योंकि वो R0 पर जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ये हो गई, यानी आधी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग देख लो आप, तो एक तो ये मिलेगा अपने को, लेकिन यहाँ पोटेंशियल क्या मिलेगी आपको, वो मिलेगी माइनस E²/4π0 2R0, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, बाई KE²/R0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे आप, MV²/R0 लिखोगे, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये तुम्हारे पास में MV²/2 इक्वल टू क्या आ गया, KE²/2R0, ये आ जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, तो ये हो जाएगा 4π0 2R0, क्लियर है। तो अब अगर ऐसा हुआ, तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, ये लिख लो, पहले लिखना है, तो आप देख रहे हो कि इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जा रही है, यहाँ जीरो हो जा रही है, टोटल एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, ठीक है।
क्या क्या दिया इसका आंसर में? भाई क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ तो अब इसमें आप देख रहे हो कि टोटल एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी ये आ रही है उसकी। तो टोटल एनर्जी देखो आप क्या जा रही हो जा रही है, जीरो। लेकिन आप देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखो मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल आ रही है ना। तो टोटल एनर्जी लिखेंगे पहले हम लोग, इसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई, तो वो आ गया काइनेटिक, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसकी आ गई है और काइनेटिक एनर्जी इसकी आई रही है हमारे पास में, कितना आ रहा है, ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन टू आर नॉट का होल, टू आर नॉट सॉरी। तो टोटल जो एनर्जी इस केस में आ रही है वो तो जीरो चली आ रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप करोगे दोनों इक्वल है, लेकिन साइन अपोजिट है, तो जीरो आ गई है। ओके, तो टोटल एनर्जी तो जीरो आ रही है। अब इस केस में मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा फिर अपने को उसको बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि टोटल एनर्जी तो यहाँ जीरो आ रही है। तो क्या क्या क्वेश्चन था हमारे पास में, कहाँ गया यार क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 18 ना, कौन सा क्वेश्चन था, सर 18 एक मिनट रुको, तो व्हाट आर द आंसर्स, तो क्या था, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेंड इन ए, ठीक है। तो व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबाउट इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी टेकन एट दिस वन सेपरेशन। तो टोटल एनर्जी तो चलो जीरो आ गई है, ओके, लेकिन इसको अपने को यहाँ से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो टोटल एनर्जी जीरो आ रही है, तो मतलब ये हुआ कि
इसके अपने काइनेटिक एनर्जी तो है ही और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या निकाला था भाई हमने, बाकी में क्या निकाला था? टोटल एनर्जी तो जीरो आ रही है सर ना, इसको सेपरेट करने के लिए तो जीरो ही वर्क कर रहा, फिर तो इसका मतलब इसका तो जीरो वर्क हो रहा है। हाँ क्योंकि टोटल इसकी मैकेनिकल एनर्जी जीरो आ रही है, इसका मतलब है मिनिमम वर्क क्या फिर जीरो हुआ क्या? क्या है इसका आंसर यार? क्या दिया इसका आंसर? क्या डिफरेंस लगेगा ना हमें, फाइनली जीरो आया ना तो नहीं, नहीं लेकिन इस ऑर्बिट में टोटल एनर्जी जीरो आ रही है ना, इस ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी आ क्या क्वेश्चन है? स्क्रीन शेयर नहीं है आपका? हाँ, व्हाट आर द आंसर्स टू एंड बी अबाउट इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, एक मिनट देखिए। तो ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी तो जीरो आ गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसकी टोटल एनर्जी हम लोग जीरो कर रहे हैं, एक मिनट, लेकिन ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबोव इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टेकन एट दिस वन। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अपने को मिल गई, और अभी भी हमारा जो पार्टिकल है वो तो आर नॉट में ही है,
है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है लेकिन टोटल एनर्जी जीरो बोल रहा है. सो आपने जस्ट पहले इसके ऊपर वो डिफरेंस क्यों निकाला आर नॉट से टू आर नॉट में पोटेंशियल एनर्जी का? नहीं नहीं, वो क्योंकि उसने उसने कहा ना व्हाट आर द आंसर्स अबाउट इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट, तो मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे तो आर नॉट की यहाँ की पोटेंशियल आर नॉट वाली एनर्जी चाहिए थी ना, यहाँ की यू वन चाहिए था मुझे. तो ये कह रहा है कि जब क्योंकि मुझे तो देखना है कि आर नॉट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि टू आर नॉट पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ की एनर्जी मिलेगी ना, क्योंकि अब इन्फिनिटी पे जीरो लेने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि आर टू पे इन्फिनिटी रखता तो मुझे फिर एनर्जी क्या मिलती माइनस क्यू, मतलब ये मिलती यहाँ के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट ही मिलता ना मुझे. लेकिन ये जो एनर्जी मिली वो कहाँ की मिली मुझे, आर नॉट की मिली, या आर नॉट में ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई मुझे, ये मिल गई ना. जब टू आर नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी इसने जीरो माना है, ठीक है ना भाई, रेफरेंस पॉइंट वैसे इन्फिनिटी मानते हैं लेकिन रेफरेंस पॉइंट इसने कहाँ मान लिया, टू आर नॉट पे मान लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने आर नॉट की एनर्जी लिख ली, आर नॉट ऑर्बिट में कितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख ली है, और फिर इस कॉन्सेप्ट से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, तो टोटल एनर्जी मेरी कितनी आ गई इसके पास में, जीरो आ गई. तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है ना कि कहना क्या चाह रहा है यहाँ. आंसर 13.6 कैसे ला रहा है, व्हाट आर द आंसर्स टू एन बी अबोव इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट दिस वन. अगर ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो ले रहा है भाई, इसका मतलब एक ये भी तो हुआ, देखो यहाँ से और क्लियर करता हूँ मैं, यहाँ जो आप एनर्जी की बात कर रहा था ये आप, इसका मतलब है कि इस केस में जो एनर्जी थी यहाँ वो कितनी हो जाएगी, -27.2 ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी होगी. लेकिन इस केस में ये जो पोटेंशियल जिसकी निकल के आ रही है वो यू कितना आ रहा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है. और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ये निकल के आ रही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रही है, ओके. तो इन दोनों का जब उसी ऑर्बिट के लिए मैं बात कर रहा हूं तो टोटल एनर्जी कितनी मिल जा रही है उस ऑर्बिट में, जीरो मिल जा रही है. नहीं समझे, तो टोटल एनर्जी जीरो है तो फिर ये कैसे बता रहा है, या तो फिर ऐसा हो रहा है इसमें कि मान लो ये आर नॉट है, बी पार्ट में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑब्टेंड इन ए लेना है, तो फिर टोटल एनर्जी जीरो कहां बनेगी फिर ये? हाँ सर, तो आपके हिसाब से तो अगर काइनेटिक एनर्जी में हां, या तो क्वेश्चन में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है भाई, हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ, ये तो मामला इसका गड़बड़ लग रहा भाई. इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.0 से इंस्टेंट सेपरेशन, पता नहीं, चलो देखते हैं थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं तो शायद जल्दी समझ में आएगा.
हमने जो एनर्जी लिखी, दरअसल मैंने यहाँ की एनर्जी लिखी है ना, आर नॉट की, आर नॉट की यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये वी स्पीड से जा रहा है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ कह रहा है, यहाँ की ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने इसकी एनर्जी लिखी, ये कितना दे रहा है, टू आर नॉट दे रहा है। तो अगर अब अगर मैं यहाँ से समझूं कि आप यहाँ देखो ध्यान से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस वाले ऑर्बिट में, इसकी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, यहाँ माइनस के साथ में, तो अगर 2R नॉट की बात करें तो 2R नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी देख नहीं रहे ना हम लोग, तो पता नहीं भाई तुमने क्या कहा इसमें, मेरे हिसाब से तो मेरा आंसर तो जीरो आ रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी अगर जीरो होगी इस ऑर्बिट में, इसका मतलब यहाँ से सेपरेट करने में अपने को कोई एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं उसको, जब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के उसके रेस्पेक्ट में यहाँ की इस ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, तो अभी इस केस में ये जो एनर्जी पहले कितनी थी जब यहाँ जीरो नहीं माना था, ये यहाँ तो जो एनर्जी होगी अभी वो कितनी आ रही है, वो तो आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, और इसकी अपनी स्पीड है, जब इस और या 2R नॉट को पोटेंशियल जीरो लेते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये आ रही है यहाँ, ओके, यानी उसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी ये मिलने जा रही है अपने। अब बात ये आती है सर, वो पोटेंशियल में नीचे भाई आर आएगा ना, 2R नहीं आएगा ना, किसमें, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग चलो आप, ये देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने आर टू की जगह क्या लिया हुआ है, मतलब आर टू की जगह मैंने 2R नॉट लिया, आर वन की जगह आर नॉट लिया, और यू वन की जगह यू लिया, और यू टू को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, जीरो कर रहा हूँ ना, तो मुझे U1 की इसके रेस्पेक्ट में एनर्जी मिल गई ना, ये आर, ये इसका मतलब ये U1 किसके करस्पॉन्डिंग है, R0 के करस्पॉन्डिंग ही तो है, और काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ से निकाल लूंगा इसकी, तो दोनों का सब मिला के क्या हो जा रहा है यहाँ, जीरो हो जा रहा है, चलो फिर सोचता हूँ इसमें क्या गड़बड़ है, चलो इसको आज इतना ही करेंगे, फिर बाकी की बाद में बताता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या हो गया था सर, हम इंफिनिटी वायर तक पहुंच गए थे, इंफिनिटी वायर तक भी पहुंच गए थे क्या, सर इंफिनिटी वायर हो गया था, इंफिनिटी वायर खत्म हो गया था, फॉर्मूला बस आपने किया था, क्वेश्चन नहीं किए थे, एक मिनट, ये हो गया था मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से हो गया था ऑसिलेशन, मैग्नेटोमीटर हो गया था, बायोट्स आउटलो भी हो गया था, मूविंग चार्ज की वजह से हो गया था, एक और इनफाइंड वायर का हो गया था, कैरिंग वायर की वजह से बात हो गई थी, चलिए तो हम बात कर रहे थे इन्फिनिट वायर का, तो बात हो गई थी, तो नेक्स्ट हमारे पास में इसमें ले लेते हैं, पहले आर्क का भी ले लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर. तो ये हमारे पास में एक आर्क है इसमें मान लेते हैं कि जो करंट है वो आई है और ये जो एंगल है मान लेते हैं अल्फा है. हमें इसके सेंटर पर चाहिए, इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान लिया कि आर है. तो क्या करेंगे हम लोग इसके आर की वजह से अपने को चाहिए. तो यहाँ से थीटा पे जाके मैं डी थीटा एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ. तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है. तो ये हमारे पास लेंथ क्या हो गई यहाँ आर डी थीटा हो गई, यानी ये क्या हो गया डेल्टा एल हो गया ना हमारे पास में. आप देख रहे हो कि डेल्टा एल की वजह से, तो इसके लिए आर देखा जाए तो आर ये हुआ ना आर वेक्टर इधर हुआ ना ये. तो आप यहाँ ये भी देख लो कि डेल्टा एल और आर के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है ये. इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डेल्टा एल की जगह आर डी थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा जो लेते हैं तो डेल्टा एल और आर के बीच का एंगल लेते हैं डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर ना. इसको इंडिकेट कर दो 0 टू अल्फा के लिए तुम्हारे पास बी कितना मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये कितना मिलेगा आपको, ये तो अल्फा ही आ जाएगा. यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो B इक्वल टू म्यू नॉट आर, आर से तो आर कट जाएगा तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू अल्फा, जहाँ अल्फा किस में रखेंगे रेडियन में, ध्यान रखना है अल्फा किस में होगा रेडियन में. ओके और अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इफ अल्फा इक्वल टू 2 पाई, तो आप देख रहे हो कि b इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा ना. यानी क्या हो गया ये तो रिंग की वजह से हो गया ना. तो रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर हुआ, लेकिन अंदर की तरफ हुआ ना. यहाँ भी इस पर किधर हुआ अंदर की तरफ हुआ. कैसे बोला मैंने यहाँ से समझ लो आप वापस से, भाई डेल्टा एल की डायरेक्शन ये है और आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो डेल्टा क्रॉस आर होता है तो किधर गया होगा अंदर ही तो गया. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन इनसाइड होगा, यहाँ भी इनसाइड होगा है. अगर इसकी रेडियस यहाँ आर है तो रिंग की वजह से भी आ गया. ओके अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ लिखना है. हाँ सर एक
सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है ना। देख लिया? हाँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यानी यहाँ एक वायर है जो इन्फिनिटी से आ रहा है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और यहाँ से फिर ये सेमी सर्कुलर वायर बन रहा है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, और ये जो वायर मैंने बनाए है एक जेड प्लेन में, और उसके बाद ये वायर वापस एक जेड प्लेन में ऐसे चला जाता है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये जो रेडियस इसका मैंने मान लिया कि ए है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो आई है, यहाँ भी करंट आई, यानी ए की वायर है, तो ये ए बी सी डी और ये E, ये पूरा वायर है। आपको बताना है कि इस ओरिजिन पे यानी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस सिस्टम की वजह से। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू गिवन सिस्टम। जो सेमी सर्कुलर वायर बना ये एक्स वाई प्लेन में है, और जो दोनों वायर सेमी इनफाइनाइट वायर है दोनों एक्स जेड प्लेन में है, मेरे ख्याल से विजुलाइज हो रहा होगा, बताइए क्या होगा आंसर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो कैसे करेंगे, जिससे नहीं हम उनको समझ लेते हैं। ये वायर देखो, सबसे पहले ए बी वायर का देखो, आप ए बी वायर का इस पॉइंट पे देखना है, तो ए बी वायर और वो पॉइंट आप देख रहे हो कि एक्सजेड प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा,
क्यों होगा वो भी समझ लेते हैं। देखो मान लो जैसे कि ये वायर मैं लेता हूँ और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो करंट इसमें इस तरह से जा रहा है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, मान लो ये इस एलिमेंट की वजह से यहाँ देखेंगे हम लोग तो यार ये हुआ ना, और ये डीएल वेक्टर ये हुआ इसका और आर वेक्टर इधर हुआ, तो डेल क्रॉस आर अंदर की तरफ ही तो हुआ ना। कोई भी एलिमेंट दूसरा ले लो, ये वाला एलिमेंट ले लो आप, इसकी वजह से भी देखो अंदर की तरफ ही तो है। इसी तरह ये एलिमेंट ले लो आप, इसमें भी अगर आप जाओगे तो इसमें भी देखो अंदर की तरफ ही है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हुआ कि इस प्लेन के, देखो इस पूरा जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब है कि ए बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा आपको, तो ए बी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए माइनस जे कैप, होगा कि नहीं होगा ये बात सुनना ही पहले। तो उसी तरह बी डी ई का देख लो आप, बी डी ई का भी देखोगे तो यहाँ देखो इस वायर की बात अगर मैं करूं तो इस वायर को देखो आप, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ है, तो आप यहाँ देखो कि इसका डीएल किधर है, इसका डीएल इधर है और इससे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डीएल क्रॉस किधर गया अंदर की तरफ, यानी यहाँ भी तो अंदर की तरफ ही हुआ ना। इसका मतलब इसका भी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए माइनस जे कैप ना, बचा कौन, यानी बी वेक्टर बी सी डी, बी सी डी तो सेमी सर्कुलर है, तो इसकी वजह से किधर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू पाई माइनस के कैप हुआ ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी पॉइंट ऑफ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो बी ए बी वेक्टर बी डी ई वेक्टर प्लस बी सी डी वेक्टर और ये इक्वल टू हो गया माइनस 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए जे कैप माइनस म्यू नॉट पाई, म्यू नॉट आई बाई पाई 4 पाई ए के कैप, ये हो गया। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया तो वो आ जाएंगे यहां से, देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए को बाहर लो, ये हो गया 4 प्लस पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आंसर होगा। भाई बात सोन में आई, मैंने पहले कहा था वेक्टर अच्छे से आना चाहिए, वेक्टर सोन में नहीं आएगा ये टॉपिक बिल्कुल सोन में नहीं आने वाला, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। चले तो कॉपी करने एक मिनट, हाँ कॉपी कर लो। तो इस वाले में हमारा डीएल वेक्टर इधर है और ये आर वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डीएल क्रॉस आर, तो किधर जा रहा है अंदर की तरफ, स्मॉलर एंगल लेते हुए चलना है, कौन सा एंगल होगा इन दोनों के बीच में, ये वाला एंगल लेंगे ना, स्मॉलर एंगल तो ये हुआ, सर एक बार वो बी वेक्टर ए बी वाला समझाए ना, तो बी ए बी ना ये वाला ना, जे कैप कैसे आया नहीं समझा,
इस डायरेक्शन वाला पार्ट समझाइए। पहले ये देखो कि ये पॉइंट और ये वायर किस प्लेन में है। जेड प्लेन में दिख रहे भाई, पॉइंट ओ और ये ए बी वायर किस प्लेन में है, एक जेड प्लेन में है कि नहीं? ए बी और ओ जेड प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, एक्सिस होता है। हाँ सर। तो नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप लेंगे ना फिर। हाँ सर समझा, थैंक यू। ऐसे लिख लिया। लिख लिया भाई सबने, आगे चलें। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो कि ये एक रिंग है, उसमें आई करंट यहां से आया और यहां से करंट गया, इसका मतलब क्या हुआ, करंट बाइफर्केट हो गए। तो यहां से करंट आया और यहां से करंट बाहर जा रहा है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, और ये पूरा जो सिस्टम है सेम वायर से बना हुआ है, यानी जो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी सब सेम है। तो पूरा जो भी सेम है, हमें इस पॉइंट पर चाहिए, इधर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट ऊपर ये सेंटर है। ओके, तो आप लोग ट्राई करेंगे इसको। मैं कह रहा हूँ कि जो भी सिस्टम बना है सेम वायर से बना हुआ है ना, और ये जो वायर मैं बता रहा हूँ ये इसके सेंटर की तरफ जा रहे हैं, एक्सटेंड किया तो हमने, इसका मतलब सेंटर पे इन दोनों वायर का, इस वायर का और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मैंने पहले बोला था म्यू नॉट आई डेल्टा एल साइन थीटा, साइन थीटा क्या था, डेल्टा एल और आर के बीच का एंगल है, यहाँ डेल्टा एल और आर के बीच में एंगल क्या है, जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इसका मतलब इन दोनों वायर की वजह से जीरो हो गया। समझ में आया, मैं तो कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आता इसलिए दिक्कत होती है। अब आपको बताना, फिर एक बार समझाइए ना भाई, मैंने बताया था ना आपको क्या था, वो डीबी वेक्टर इक्वल टू क्या था, इसको चलो वेक्टर को हटा देते हैं, डीबी वेक्टर इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई फोर पाई आर स्क्वायर, पढ़ा था आपने। डीएल किधर है, इधर है, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस ये था, ये एंगल थीटा था। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ आपसे पूछता हूँ कि यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आ रहे और ये भी आ रही है मान लो यहाँ से, तो क्या होगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, अरे बेटा थीटा जीरो हो गया ना। नहीं सुन, मैं अभी इतना सा छोटा सा पॉइंट है यार, उसको पकड़ने में इतना टाइम लगा दिया आपने। नहीं सर, मैं अभी भी आ गया सर। भाई डेल्टा एल और आर के बीच का एंगल थीटा है ना, तो जब हाँ मैं अगर पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ तो मतलब क्या हो, थीटा जीरो हो गया ना इस पॉइंट के लिए। हाँ सर, हाँ सर। तो यही तो है, इतना ही है यार, इतना ही समझना है, इसके अलावा कुछ समझने का ज्यादा कुछ है ही नहीं। जो फॉर्मूला में मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्मूले को ही समझना है तो बाकी कहानी बन जाएगी आपकी। ऐसे करना था इसमें, तो इसमें आप लोग ट्राई करोगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट ओ पर। हाँ सर। द होल सिस्टम इज ऑफ सेम मटेरियल, देन इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड
एट पॉइंट ओ, है ना, ये भी वाई नहीं है और ये भी वायरी है और ये भी वायरी है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको इस पॉइंट पर, जीरो मिलेगा। हो गया क्या आया? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या है आंसर? कर रहे हैं सर। इतना टाइम थोड़ी लगता है, तो छोटा सा क्वेश्चन था। देखो कैसे करेंगे, मैंने कहा कि ये सेम मटेरियल का है, इसका मतलब क्या हुआ? जब यहां जैसे इसमें एंटर करंट एंटर करेगा, ये करंट बाइफर्केट हो जाएगा। इसमें मान लेंगे आई वन गया, इसमें मान लेंगे आई टू गया, उसके बाद करंट यहां से आएगा, ऐसे निकल जाएगा। इधर से आई वन आ रहा, इधर से आई टू आ रहा। तो यहां देखो,
इन दोनों वायर के यानी इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर वन है इस पूरे वायर का, और यहाँ से यहाँ तक का इसका जो रेजिस्टेंस वो मैंने मान लिया आर टू है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हो जाएगा टू पाई माइनस थीटा। पहले आर वन निकाल लेता हूँ मैं, तो आर वन क्या होगा रो एल, एल क्या होगा इसका आर टू पाई माइनस थीटा बाई एरिया प्रोजेक्शन मैंने मान लिया ए इस वायर का, आर टू क्या हो जाएगा रो आर थीटा बाई ए, क्योंकि सेम मटेरियल है ना इसलिए रो भी सेम होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा यहाँ I1 R1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ I2 R2 ना रख देते हैं यहाँ, तुम्हारे पास हो गया I1 रो R 2 पाई माइनस थीटा बाई ए इक्वल टू I2 रो R थीटा बाई ए, तुम्हारे पास क्या आ गया I1 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू I2 इंटू थीटा, ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप देखो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बाहर की तरफ होगा, और उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अंदर की तरफ होगा। ये लॉजिक समझ में आया सबको, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड जब हम लिखेंगे तो वहां लिखेंगे बी वन माइनस बी टू ले लेंगे, उसका मोड ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो बी वन कितना होगा म्यू नॉट आई वन, एंगल कितना है टू पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई फोर पाई आर माइनस म्यू नॉट आई टू, कितना हो जाएगा भाई ये थीटा बाई फोर पाई आर। इस वाली क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, तो म्यू नॉट बाई फोर पाई आर, तो आई वन टू पाई माइनस थीटा माइनस आई टू थीटा। आप यहाँ से देखो ये तो जीरो आ गया, तो अगर ऐसा कोई भी केस मिलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमेशा जीरो होगा सेंटर पे। मतलब ये हुआ कि मैं आपको और भी एग्जांपल जैसे दिखाता हूँ, मान लो ऐसा हुआ कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है और ये सारा पूरा मटेरियल एक ही का ही बना हुआ है, यहाँ से मान लो आई करंट गया और यहाँ से करंट मान लो बाहर गया, इसमें करंट क्या जाएगा सिमेट्री है तो आई बाई टू, इसमें भी कितना जाएगा आई बाई टू, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा। आई बस या ऐसा हो इस पर चाहिए अपने को सेम मटेरियल है, मान लो यहाँ से बी बाहर जा रहा है, यहाँ से मान लो आई एंटर किया और यहाँ से आई बाहर गया, इसमें मान लो बाई फर्केट होके आई वन गया, इसमें बाई फर्केट होके आई टू गया, सेम मटेरियल है, फिर से यहाँ भी क्या होगा जीरो जीरो होगा। एक और ले लेते हैं, मान लो हमारे पास में मान लो पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा है, मान लो मैंने एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, और उसमें मान लो करंट एंटर किया, तो मान लो इधर से करंट एंटर किया और इधर से मान लो करंट बाहर चला गया, इसमें भी आई करंट गया और यहाँ से भी आई बाहर आ गया, इसका मतलब इस केस में भी बी क्या होगा जीरो होगा। अरे बस हमने तो इस तरह के केसेस बनेंगे तो इस तरह से देख लेंगे हम लोग, लेकिन मटेरियल क्या होना चाहिए सेम मटेरियल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। देख लो आप लोगों ने ये इक्विलेटर ट्राइंगल बनाया हमने, मैंने
मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। पर वाला लिखिए हो गया। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट अब हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस। इसमें पहले मैं आपका आपको बोर्ड का बता देता हूं कि बोर्ड में कैसे आपको करना है। तो मान लो ये हमारे पास में ये सर्कुलर कॉइल या रिंग, एक ही बात है, रिंग भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ये इसका एक्सिस है। मैं यहाँ एक ही टर्न के लिए बात कर रहा हूँ। फिर अगर एन, फिर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हुए तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
और ये जेड एक्सिस है, इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, है ना। तो मैं यहाँ इधर से देख रहा हूँ इसको, हमें इस पॉइंट पर चाहिए, ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स कोमा जीरो कोमा जीरो, यानी पॉइंट पी है, तो ये ओरिजिन है, डिस्टेंस और पी के बीच की एक्स है। यहाँ मैं इधर से देख रहा हूँ, तो अगर इधर से देख रहा हूँ तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, तो ये रिंग या सर्कुलर कॉइल मुझे ऐसी नजर आएगी। ये हमारे पास में जेड एक्सिस है, और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। तो मैं यहाँ जो एलिमेंट ले रहा हूँ, मैं इस तरह से ले रहा हूँ ताकि सिमेट्री मिले मुझे, ताकि करने में आसानी हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ सिमेट्री, यानी ये जो एंगल ले रहा हूँ मैं डी थीटा ले रहा हूँ, तो ये एंगल भी मेरा डी थीटा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस वाले में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, और ये कितना होगा, ये आर डी थीटा होगा। इसका मतलब यहाँ कौन सा वाला पॉइंट हुआ, ये वाला होना है यहाँ, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, क्लियर है। अब अपने को कहाँ का चाहिए, अपने को तो इस पॉइंट पर चाहिए ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा। मैं इसको अगर इधर से देखूं मुझे कैसे नजर आएगी, देखो ये रिंग ऐसी नजर आएगी, यानी ऊपर अपने को लगेगा करंट इधर आ रहा है और यहाँ करंट क्या कर रहा है, अंदर जाता है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो आप यहाँ देखो कि हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एल बार है कि नहीं, यहाँ देखो आर डी थीटा बार की तरफ है और यहाँ आर डी थीटा अंदर की तरफ है, और इसके लिए यहाँ देखेंगे तो आर वेक्टर तो ये हुआ ना, इसका आर वेक्टर तो ये हुआ ना, तो डेल्टा एल क्रॉस आर यानी जो डी बी वेक्टर मिलेगा वो तो इधर मिल रहा है, देखो लॉजिक सुन में, उसी तरह इसका चले जाओ, देखो इसके लिए आर वेक्टर ये हुआ ना, और डेल्टा एल वेक्टर अंदर है, इसकी वजह से किधर मिलेगा आपको, इधर मिलेगा ना, सेम मिलेगा डीबी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, यहाँ भी एंगल कितना 90 डिग्री, ये विजुलाइज हुआ पहले, तो तब तो मैं आगे की बात करूं, हाँ सर, अगर ये विजुलाइज होगा तो मान जाएंगे भाई आप लोगों को कि आप काबिलियत है। पक्का सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, डीबी कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ जो आर डी थीटा है वो अलोंग द जेड एक्सिस है, ऊपर वाला जो आर डी थीटा है अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और आर डी थीटा अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस से नीचे वाला, उस हिसाब से आप देख लो डेल्टा एल और आर वेक्टर का, तो आप देख रहे हो कि ये प्लेन जो है ना, इसका प्लेन ये पूरा इस प्लेन में ही तो है, ये आर यानी डेल्टा थीटा और आर इस प्लेन में है, उसी तरह यहाँ का डेल्टा एल और आर इस वाले प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये विजुलाइज हुआ। अगर ये विजुलाइज हो गया तो ये एंगल मैं कहता हूँ कि अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, तो आप ध्यान से देखिए ये 90 माइनस अल्फा है, तो फिर एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, तो आप देख रहे हो कि ये कंपोनेंट यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, db cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, एड अप हो जा रहा है, क्या हो जाएगा 2db, sin अल्फा है, इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया है क्या आ रहा है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है,
क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर लिया मैंने, इधर लिया है भाई। विजुलाइज हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, क्या मिल गया, 2dB साइन अल्फा अलोंग द एक्स एक्सिस मिल रहा है, फिर बी नेट आ गया। डीबी क्या लिखोगे आप, 2 into μ0 I r d थीटा। अब यहाँ देखो डेल्टा एल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये विजुलाइज हो रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री कैसे कह रहा हूं मैं। हाँ देखो आप अगर थोड़ा बहुत भी बुद्धि लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो ये आर डी थीटा अलोंग दी जेड एक्सिस है और ये जो आर वेक्टर है ये किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आर डी थीटा है। इसका मतलब आर डी थीटा और आर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है। ये बात समझ में आई पहले तो? हाँ सर, ये नहीं तो नहीं समझ में आया, यहाँ से समझाता हूँ मैं। तो अगर ये इसका मतलब यहाँ साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाय 4π हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ये आ गया इनटू साइन अल्फा। साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा, क्योंकि ये रेडियस क्या है इसकी आर है, ये हो जाएगा आर बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शिवम बाउंस हो गया, सत्यम शिवम। हाँ सर, समझ में आया कि बाउंस हो गया, थोड़ा 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 समझ रहा हूँ ना, पक्का थोड़ा बहुत समझ आ गया। बहुत बड़ी बात होगी बेटा ये तो, इसमें थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाता है मतलब बहुत बड़ी बात कर दी है, क्योंकि इसमें एंगल ही समझ में आ गया ना तो बात बन गई हमारी। तो बस हो गया, आप क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। तो क्या हो गया देखो, μ2 μ0 I r² d थीटा डिवाइडेड बाई 4π एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। अब इसको इंडिकेट कहाँ से करूंगा, 0 से π क्यों करूंगा, देखो यहाँ से, क्योंकि जब मैं इस वाले को यहाँ लेकर आऊंगा तो नीचे इधर वाला इधर ही तो गया, तो पाई तो रोटेट हुआ क्योंकि डबल कर ही लिया ना पहले से मैंने। अगर डबल नहीं करता तो 0 से 2π करता, इसलिए इंडिकेट कहाँ से करूंगा, 0 से π करूंगा। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, μ0 2 μ0 IR, ये हो गया पाई डिवाइडेड बाई 4π एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2, यानी हो गया μ0। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऊपर आर स्क्वायर आना था, यहाँ क्या आना था, क्योंकि एक आर यहाँ एक आर यहाँ है ना, तो μ0 2 μ0 I r² π डिवाइडेड बाई 4π। अच्छा तो लिखी दिया ना कितनी बार लिखे, यहाँ से देखो 2 से 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0 I r² by 2 into x² plus r² to power 3/2। अरे आप ध्यान से देखिएगा, इफ एक्स इक्वल टू अगर 0 हुआ, ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, एट सेंटर, सेंटर पे देखो तो बी इक्वल टू कितना आ गया, μ0 I/2r, यही तो बताया था अभी मैंने ऊपर, अभी ऊपर बात करके आऊं मैं, कहाँ गया हूँ ये, रिंग के सेंटर पे क्या होगा, μ0 I/2r, यहाँ भी क्या हो गया, μ0 I/2r, ये आ गया भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, और किसी एक्सिस की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ लिख देते ना, तो B इक्वल टू आ गया, यानी इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, B ऑफ X इक्वल टू μ0 I r² by 2 into x² plus r² to power 3/2। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देखो ऊपर अगर मैं, ये तो हुआ एक टर्न की वजह से, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन है, तो फिर इस केस में बी ऑफ एक्स कितना मिलेगा, μ0 n I r² by
टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। तो ये आपका हो गया बोर्ड का, इस तरह से आपको बोर्ड में करना है। इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बताता हूँ पहले, है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा फिर। हाँ बोलो सर। नीचे का जो आर डी थीटा था ना सर, उसका डायरेक्शन एक बार बता दीजिए ना। यहाँ देखो ये बी किधर है, यहाँ देखो सॉरी डेल्टा एल किधर है, यहाँ अंदर की तरफ होगा। रिंग को समझ आ रहा है, रिंग दिख रहा है आपको, है ना, तो अंदर की तरफ नजर आएगा उस टाइम, है ना, करंट। तो आप देख रहे हो कि आर वेक्टर ये है, तो डेल्टा एल किधर है, राइट हैंड किधर है, आपका राइट हैंड कहाँ रख रखा आपने, इधर देखो आप, डेल्टा एल किधर है, माइनस सर अंदर की तरफ आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब देखो आप फिंगर्स कहाँ रखोगे, डेल्टा एल पे रखोगे, तो कर्ल फिंगर करो तो डेल्टा एल क्रॉस आर किधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा तो इधर देखो कहाँ जा रहा है, कुछ भी सोच रहे हो आप तो यार। डेल्टा एल आर डी थीटा अंदर की तरफ है ना, डी भी थोड़ी अंदर होगा, ये कह रहे हो ना आप, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, राइट हैंड थंब रूल से भाई डेल्टा एल आर डी थीटा किधर है, अंदर की तरफ है, माइनस के कैप डायरेक्शन में है, माइनस के कैप डायरेक्शन में, आर वेक्टर किस में, एक्स वाई प्लेन में। हाँ, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट देखो राइट हैंड थंब रूल से किधर जा रहा है, इधर ही तो आ रहा है, देखो ना यार। हाँ सर, अभी समझ में आया सर, मतलब ये समझा सर, बाहर आ रहा है ना नीचे वाला, बाहर कहाँ रहा, इसी एक्स वाई प्लेन में है। डीबी, डीबी की बात कर रहा हूँ, डीबी एक्स वाई प्लेन में है, ये जो डीबी नीचे वाला ना एक्स वाई प्लेन में तो है यार। हाँ सर। If number of turns are capital N, तो ऐसा हो जाएगा। अब magnetic lines of force भी बताता हूँ। Magnetic lines of force, इसकी magnetic lines of force कैसे होगी, पूरी तरह से दरअसल magnet की तरह behave करेगा, तो देखो कैसे करेगा वो समझाता हूँ मैं आपको। इसमें current ऐसे flow कर रहा है और ये x axis है, दरअसल इसकी जो लाइंस होगी ना वो ऐसे होगी, देखो ये इधर इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ भी इन्फिनिटी से आएगा, तो लाइंस ऐसे होगी। और यहाँ की बात करेंगे तो इसे क्लोज लूप बना रही होगी, वैसे तो क्लोज सारी सारी लाइंस क्लोज लूप ही बना रही है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से, इसको अगर आप इधर से देखते हो तो आपको ये रिम ऐसी नजर आएगी, यानी इसमें करंट कैसे जा रहा है, यानी करंट ऐसे जाने का मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल बन रहा हो, तो नॉर्थ पोल में आउटसाइड की तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है ना, बाहर की साइड। आप जब इधर से देख रहे हो तो आपको ये रिंग कैसा नजर आएगा, यानी इसमें करंट ऐसा नजर आ रहा है, इसका मतलब जैसे ये साउथ पोल हो तो ये बाहर मैग्नेट की तरह हो गया ना, हरी बात सुन में, इसका मतलब इधर से इधर इस लेफ्ट साइड में इसका साउथ पोल है, राइट साइड में इसका नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर की तरह मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, है ना। इसका मतलब एक तरह से ये, इसको वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें करंट चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो ना, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोला जाता है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होती, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का हो, लेकिन इसका बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए, है ना, होगा। तो अभी अगर इसका बिहेवियर वैसा ही है तो अभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। देखो ये हमारे पास में फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ कहता हूँ If x greater than अगर r है, यहाँ से क्या करूंगा मैं x square को बाहर लूंगा तो b equal to क्या मिल रहा है, mu not n I r square by, तो x square को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, x cube 1 plus r square by x square to power 3/2, यानी ये negligible हो जाएगा अगर ये condition मान के कर रहा हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट टू एन आई पाई आर स्क्वायर, क्या क्या मैंने टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या हो गया, पाई से भी किया तो फोर पाई एक्स क्यूब हो गया। अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा का पूरा कैपिटल एम है तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट टू कैपिटल एम बाई फोर पाई एक्स क्यूब, याद आ रहा है। बार मैग्नेट की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो ये था, इसका मतलब इसका इफेक्टिव मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, एन आई पाई आर स्क्वायर, या मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर, हाँ सर, या एम इक्वल टू क्या हो गया, एन आई ए, ए क्या हो गया, वो जो प्लेन है जो रिंग प्लेन बना रही है यानी जो सर्कल बना रही है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर तो होता है, तो ये हो गया करंट कैरिंग कोई भी अगर कोइल है तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसको आप ऐसा लिख सकते हो। ये तो मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, यानी उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन होगी। अभी एरिया की डायरेक्शन कैसे देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। कैसे, राइट हैंड थंब रूल में, यानी जो कर्ल फिंगर है वो सेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाएगी, तो तब क्या देगा, एरिया की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। यहाँ एरिया की डायरेक्शन निकालना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्यों नहीं है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग सेंस ऑफ जो मतलब जो फिंगर्स है वो क्या इंडिकेट करेगी, करंट की डायरेक्शन को, और थंब एरिया की डायरेक्शन को, यानी जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर तो एरिया होगा यहाँ इस केस में, इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया की डायरेक्शन में। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा। हाँ सर भाई, बात सबको समझ में आ गई। अब वही है यार, चीजें पुरानी भूल जाओगे, कचरा रोज भरते रहोगे, काम की चीज को बाहर निकाल दोगे तो फिर पुराना थोड़ी याद रहेगा। तो पहले कचरा निकालो, जो गंदगी दिमाग में भरी पहले उसको निकालो, फिर फिजिक्स को घुसाओ उसके अंदर, है ना। तो जितनी भी गंदगी पहले उसको निकाल के बाहर फेंको, फिर समझ में आएगा सब। कोई भी चीज यहाँ ऐसे नहीं बता रहा मैं, सब रिलेट हो रही आपस में, तो रिलेश अगर आपको रिलेट करना आएगा तो फिजिक्स जल्दी समझोगे, और रिलेट करना नहीं आएगा तो नहीं समझोगे। अब भूसा तो भरी लिया पहले से हमने, समझ में थोड़ी आएगा फिर, है ना। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब उसको भूसा भरा हुआ है, कुछ ना कुछ माई माई चल रहा है दिमाग में, तो पहले वो निकालो फिर समझने की कोशिश करो। अभी तो कई बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाए, मुझे मालूम है ना, मुझे पुराना तो हमने पढ़ा ही नहीं, रिवाइज किया ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आएगा। ऐसे रिलेट करते हैं तो हमें, अब इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी भी तरह का कोइल हो उसका एरिया अगर पता चल जाए और इसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर पता चल जाए तो आप उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बता सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको आगे चल के, है ना। तो पहले इसी को निपटा लेते हैं, फिर आएंगे वेक्टर फॉर्म पर जो कि मेन कॉन्सेप्ट है। ये तो बोर्ड के लिए मैंने आपको बताया है, और बोर्ड में यही करना है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो बता दिया उसको यही लिख देना है, सेम यही लिख के आ जाएंगे तब भी फुल मार्क्स आ जाएंगे आपको, जितना पढ़ाया उतना भी लिख दोगे तो भी मार्क्स दे देंगे वो आपको फुल, क्योंकि सारा है तो लिख दिया हमने इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी लिख दी, साउथ नॉर्थ पोल सब बता दिया, इसको मैग्नेट से भी रिलेट कर ले सब बता दिया, फिर क्या चाहिए, जान तो लेगा नहीं वो एग्जामिनर, और जान हम देंगे नहीं, ठीक है ना, अगर लेता भी तो नहीं देंगे। तो इस तरह से करेंगे हम लोग। अब जैसे मैं इसको थोड़ा आपको बताता हूँ कैसे यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो वेक्टर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर है, एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो कि एक क्यूब है, मान लो हमारे पास क्यूब ले लेते हैं समझने के लिए, पहले लिख लो यार, पहले लिख लो भाई ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ तक लिख लिया था, कहीं कुछ लिखा नहीं ना अभी तक, लिखो इसको। सर मतलब वो वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करके पूछेगा। अरे बोर्ड में और क्या पूछते हैं, बोर्ड में तो सब पता होता है बच्चों को।
डेफिनेशन भी पता होती है, सब पता होता है, डेरिवेशन सब पता होता है, ठीक है ना। वो आता है, क्वेश्चन आता है, अगर इस साल आया, लास्ट टाइम नहीं आया तो इस साल पक्का आ जाएगा, वो ऐसा है। कभी कभी रिपीट भी कर देते हैं। पेंशन वाला कब लूं मैं? संडे ना, संडे को भी ना आप लोग क्लास? हाँ सर, तब तो आप हीट्स पढ़ाएंगे ना सर? हाँ, कैपेसिटर्स, तब तो आप कैपेसिटर्स पढ़ाएंगे ना सर? कैपेसिटेंस, वो तो क्या कैपेसिटर्स, हीट 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 तो कैलोरी मेट्री, हाँ कैलोरी मेट्री तो हो गया ना, कैलोरी मेट्री तो करवा तो दिया, क्वेश्चन करवाने उसके थोड़े बहुत और करवा दूंगा मैं, है ना। मतलब उसी में थर्मल एक्सपेंशन है, कैलोरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन एक ही हुआ। ये लिख लिया? हाँ सर। बोलते भी ना आप, पूरा लिख लिया? हाँ सर लिख, हाँ। चलो तो फिर आगे चलो, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊं। हाँ सर, ठीक है लिख लिया। तो फिर अब देखो यहाँ लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। जो फॉर्मूला है ना हमारे पास में, एम वेक्टर इक्वल टू, हाँ तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर एक बार आईआईटी क्वेश्चन पूछ चुका है। और मैं इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको देखो यूज करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले को मैं। तो ये फॉर्मूला उसी केस में वैलिड है जब भी करंट होगा, दिख रहा है करंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ए क्या है, एरिया उस प्लेन का एरिया है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें आपको पिक्चर क्लियर होगी कि क्या मतलब है यहाँ। तो मैं ये क्यूब ले रहा हूं यहाँ, और इस क्यूब पर एक वायर लिपटा हुआ है, किस तरह से बताते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसकी जो साइड लेंथ है वो एल है, क्यूब है तो फिर साइड लेंथ एल हो गया। अब मैं यहाँ जो वायर ले रहा हूँ वो इस तरह का वायर है, पहले एक सिंपल ही केस ले लेते हैं, अब ये तो एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन एक कुछ और है, कहीं और कुछ और है, लेकिन इस पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये वायर लिपटा हुआ है, रेड वाला जो है ये वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ये एक सिस्टम बन गया। इसका अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है ना। तो फाइंड दी
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन सिस्टम. तो अब इसमें तो कैसे निकालें, वहां तो मैं बोल रहा हूं कि प्लेन होना चाहिए, तो प्लेन तो है नहीं, करेंगे क्या यहाँ. इसका मतलब प्लेन बनाएंगे. प्लेन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे. देखिए वो तो क्वेश्चन है, रहने देते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं. तो लूप यहां बनाएंगे, लूप इस तरह से बनाएंगे कि करंट अगर पहले कोई भी वायर जब आप चूज करोगे, इस वायर में अगर पहले करंट जीरो था तो बाद में भी करंट जीरो होना चाहिए. साइड लेंथ ए लिया मैंने, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझिएगा. देखो इसमें लूप क्या बनाऊंगा, एक में एक लूप ये बनाऊंगा, ये लूप बना रहा हूं मैं. तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दूसरा लूप में इस तरह से बनाऊंगा कि इस वायर में, ये जो वायर है यहां कौन सा वाला बताता हूं मैं, उसमें करंट क्या दिखना चाहिए, जीरो दिखना चाहिए. यानी ये समझ में आया, इस वायर में पहले करंट जीरो था तो बाद में भी करंट जीरो दिखना चाहिए. तो इसका मतलब इसमें आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी आई है, तो मिला के नेट करंट क्या हो गया, उसमें जीरो हो गया ना. इस तरह से दो लूप बन गए. अब दो लूप बन गए तो एरे की डायरेक्शन कैसे देखना है, राइट हैंड थंब रूल वापस से. इसका मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने मान लिया एम1 वेक्टर है, इस वाले की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने मान लिया एम2 वेक्टर है, तो एम1 वेक्टर क्या मिलेगा, मिलेगा माइनस एल स्क्वायर बाय टू आई इनटू जे कैप. एम टू वेक्टर क्या मिलेगा, माइनस एल स्क्वायर बाय टू आई के कैप. ये लॉजिक समझ में आया. तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तो वन ही है, इसलिए मैंने यहाँ एन की वैल्यू नहीं लिखी, मैंने वन ही है वो, तो टोटल हो गया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है एम वन वेक्टर प्लस एम टू वेक्टर. यानी हमारे पास आ गया m वेक्टर इक्वल टू माइनस l स्क्वायर i बाय 2 को बाहर ले लो तो क्या हो गया, j कैप प्लस k कैप हो गया. यही आंसर है. ये भाई समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. सत्यम शिवम समझ में आया? थोड़ा थोड़ा. हाँ अरे कुछ बोलो फिर. सत्यम बोलो. नहीं समझ समझ में कहाँ से आएगा हमें, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड तो अच्छे से. सर हेलो हेलो हेलो. हाँ बोलो बोलो, क्या समझ में नहीं आया इसमें. एरे की डायरेक्शन किधर है, ये जो ऊपर वाला, ये वाला जो ये है प्लेन जो बन रहा है, ये इसकी डायरेक्शन, एरे की डायरेक्शन बता सकते हो मुझे किधर है? भाई ये ऐसा मानो ये आपके घर की छत है, ये सन मारा है और ये लूप है, उसके ऊपर ये लूप लगा दिया हमने, तो इसका एरे की डायरेक्शन किधर है? पैटर्न नीचे की तरफ है ना, आपकी तरफ ही तो है जहां हम बैठे हो, है कि नहीं? एरे की डायरेक्शन नीचे है कि नहीं, राइट हैंड थंब रूल से देखो ना. अच्छा एरे की डायरेक्शन देखो यहाँ, ये यहाँ से देखते हैं. हाँ हाँ देखा सर. आप यहाँ देखो, यहाँ से बता, मालूम है सुन मारा है, ये मालूम है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वहां भी पढ़ा था हम लोगों ने, कहा 11th में भी पढ़ाया था. इसका हमने एरिया निकाला था ट्राइंगल का, याद आ रहा है? ये इसकी हाइट थी, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट एच है,
तो h by b equal to sin theta था. एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होता है, क्योंकि हाफ इंटू बी साइन थीटा इंटू ए होता है, ये टू है. तो ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ए वेक्टर इक्वल टू आया था हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ ए क्रॉस बी, यानी अगर देखा जाए तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी तो बी वेक्टर इधर हुआ कि नहीं हुआ इसका, और ये वापस ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा, ये तो आधा ही लिया मैंने, तो इसका एरिया की डायरेक्शन किधर हुई, ऊपर की तरफ हुई ना, इधर इधर की तरफ है एरिया की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी लियो ना, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ है, तो यहाँ भी ऐसे समझ सकते हो आप. देखो ये मान लो ए वेक्टर इधर की तरफ है और ये बी वेक्टर इधर की तरफ है, ए क्रॉस बी किधर जा रहा है, ए क्रॉस बी नीचे की तरफ जाते रहा है, उससे कर लो ये सब पढ़ा था हमने बताया था, और नहीं तो कुछ नहीं तो राइट हैंड थंब रूल से देख लो करंट किधर जा रहा है, कर्ल फिंगर जो होगी ना आपकी, कर्ल फिंगर क्या देगी, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देगी, तो थंब क्या देगा एरिया की डायरेक्शन, ऐसे समझ लो. समझने के लिए तो हजार तरीके हैं यार, नहीं समझने के भी हजार तरीके हैं मालूम है, वैसे तो नहीं समझने के हजार है मेरे ख्याल से, समझने के तो एक दो ही तरीके होते हैं, ज्यादा भी नहीं होते हैं. हाँ तो हजार तरीकों से तो बढ़िया, एक दो तरीका याद कर लो, पर वो थोड़ी करेंगे, वो करेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा हमारा और चीजें समझ में नहीं आने लग जाएगी. हाँ ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे, ये लिख लो आप लोग, इसके ऊपर वाला लिख ही लिया आपने कहा है तो फिर ये लिख लो, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम जो भी करना है नेक्स्ट क्लास में, आपको इसका वेक्टर मेथड से कैसे करेंगे रिंग का वो बताऊंगा मैं, है ना, और फिर उसके बाद सेमी सॉरी मतलब सॉलिनॉइड के बारे में बात करेंगे, फिर देखते हैं जो भी होगा. लेकिन ये टॉपिक जो है आपका मेंस के पर्पज से भी, बोर्ड के पर्पज से भी और एडवांस के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, समझ में आए या ना आए करना तो है. और बाहनी बाजू छोड़िए, नीचे दिखाइए ना, हाँ क्या थोड़ा सा नीचे दिखाइए ना सर, हाँ हाँ ये ही ना, हाँ सर और देखो तकलीफ तो होगी, लेकिन तकलीफ होगी तो रिजल्ट भी आएगा. अरे आप तो कुछ मत करिए, इतना ही कर लीजिए, एनसीईआरटी लगा लीजिए और रेजोनेंस की शीट लगा लीजिए, 1 2 3 एक्सरसाइज इतना तो कर सकते हो, इतना भी कर लोगे ना तब भी मेंस में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे और इवन आईआईटी जे में भी मार्क्स आएंगे आपके, अच्छे जेई एडवांस में मार्क्स आएंगे आपके, पर इतना तो करो. फिजिक्स की तो गारंटी लेता हूं मैं, अगर आपने इतना कर लिया ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी,